का जो हमारा टॉपिक है ये है कन्वर्जेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म मोनोकोटिलिडेंस एंड डाइकोटिलिडेंस। ठीक है बच्चों, कन्वर्जेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट इन जिम्नोस्पर्म मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो इस टॉपिक में एंटर करने से पहले हमें आपने इसके कीवर्ड्स देख लिए होंगे, कन्वर्जेंस, एवोल्यूशन, ट्री हैबिट। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले नाम आया है इस टॉपिक में कन्वर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस क्या होता है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इट इज ऑब्जर्व टेंडेंसी ऑफ लिविंग फॉर्म दैट आर क्वाइट अनरिलेटेड फाइलोजेनेटिकली टू रिस्पॉन्ड टू सिमिलर कंटेंजेंसीज ऑफ लाइफ बाई डेवलपिंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। दिस सिमिलरिटी वे अराइजेज अलोंग टू इवोल्यूशनरी लाइन्स दैट इज पैरेललिज्म एंड कन्वर्जेंस। ठीक है बच्चों, ये देखा गया है कई प्लांट्स में कि वो समान वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए समान प्रकार की संरचनाएं विकसित कर लेते हैं, एक दूसरे से वंशावली क्रम में दूर होते हुए भी। अर्थात दो दूर स्थित वर्गीकरण की स्थिति हम अगर देखें तो वर्गीकी रूप से अलग अलग जो पादप है, अलग अलग पादप समूह है मान लीजिए, वो समान वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए कई बार समान प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के साथ में ही बच्चों एक कंसेप्ट और होता है पैरेललिज्म का। तो कन्वर्जेंस और जो पैरेललिज्म होती है, जो कंसेप्ट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं बट क्वाइटली जो है काफ़ी नज़दीकी से जुड़े होते हैं, इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अलग अलग वर्गीकी में अलग अलग स्थान पर उपस्थित अलग अलग पादप समूह हैं, अगर समान वातावरणीय कंडीशंस का सामना करने के लिए समान प्रकार की संरचनाएं विकसित कर लेते हैं तो उसे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस और पैरेललिज्म के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, ये हम बाद में समझेंगे। मेंबर्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड टैक्सा अटेंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स फीचर्स विच आर अटेंड इंडिपेंडेंटली बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बच्चों, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की जो है परिभाषा एग्जाम में आ सकती है तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, ये मेंबर्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड टैक्सा, वर्गीकी में या वर्गीकी पदानुक्रम में दूर दूर स्थित जो पादप समूह होते हैं, पादप के जो सदस्य होते हैं मान लीजिए, वो अगर समान प्रकार की जो संरचनाएँ विकसित कर लेते हैं, कैसे, स्वतंत्र रूप से अगर भिन्न भिन्न पादप समूह जो अलग अलग वर्ग की स्थान पर उपस्थित हैं समान प्रकार की संरचनाएं डेवलप कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली, तो इस प्रकार का जो इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कन्वर्जेंस। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे इन दोनों की परिभाषाएं, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं और इनमें क्या अंतर है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। पैरेललिज्म इज द डेवलपमेंट ऑफ द सिमिलर फीचर्स सेपरेटली इन टू और मोर जेनेटिकली सिमिलर फेयरली क्लोजली रिलेटेड लीनिएजेस। बच्चों, पैरेललिज्म क्या है, ये अनुवांशिक रूप से समीप पादप समूहों या पादप जातियों
के द्वारा समान परिस्थितीय समान वातावरणीय परिस्थिति से का सामना करने के लिए अगर समान प्रकार के फीचर्स डेवलप कर लिए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म। फिर समझ लेते हैं हम एक बार, पैरेललिज्म में क्या होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न वर्ग की समूह, भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित वर्ग की समूह लेकिन जेनेटिकली सिमिलर जो समूह है अगर समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं स्वतंत्र रूप से तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कन्वर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फीचर्स सेपरेटली इन टू और मोर जेनेटिकली डाइवर्स एंड नॉट क्लोजली रिलेटेड लीनियजेस एंड नॉट ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, कन्वर्जेंस किस प्रकार का विकास है, कन्वर्जेंस में भी सिमिलर फीचर्स का निर्माण होता है इंडिपेंडेंटली लेकिन किन में होता है, टू और मोर जेनेटिकली डाइवर्स एंड नॉट क्लोजली रिलेटेड लीनेज के अंदर वर्गीकी पदानुक्रम में दूर दूर स्थित पादप समूह अगर स्वतंत्र रूप से समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। ठीक है। पैरेललिज्म में टू और मोर जेनेटिकली सिमिलर या फेयरली क्लोज रिलेटेड लीनियजेस में क्या होता है, सिमिलर फीचर्स का डेवलपमेंट होता है सेपरेटली, जबकि जो कन्वर्जेंस होता है उसमें टू और मोर जेनेटिकली डाइवर्स एंड नॉट क्लोजली रिलेटेड लीनियजेस का निर्माण होता है और वो जो पादप समूह है वो एक समान एंसेस्ट्री से नहीं आते हैं, तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या डेवलपमेंट। ठीक है। 10 व्हेन टू और मोर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स टेंड्स टू इवॉल्व बाय एक्वायरिंग सिमिलर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड पैरेललिज्म एंड व्हेन डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स एक्वायर सिमिलर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। क्लियर हो गया बच्चों। अगर पास स्थित पादप समूह समान संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं पैरेललिज्म, अगर दूर स्थित पादप समूह या वर्गीक्रम में दूर स्थित पादप समूह समान संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से तो उसे क्या कहा जाएगा, कन्वर्जेंस। ये डायग्राम देखिए बच्चों, आप देखिए यह है कन्वर्जेंस और यह है पैरेललिज्म। कन्वर्जेंस में क्या है, दो अलग अलग वर्ग की समूह, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो अलग अलग है, इनमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अगर वो किसी वातावरणीय परिस्थिति या आवश्यकता के कारण समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। जैसे कि ये एक अलग लीनेज है, ये एक अलग लीनेज है, ठीक है, तो इनसे स्वतंत्र रूप से समान संरचनाओं का निर्माण हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस। दूसरी ओर जो पैरेललिज्म है इसमें जेनेटिकली लगभग लगभग जेनेटिकली सिमिलर जो एंसेस्ट्री है या कॉमन एंसेस्ट्री है उन पादप समूहों में समान संरचनाओं का निर्माण होता है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैरेललिज्म। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्कशन ऑन कन्वर्जेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट। अब बच्चों हम देखेंगे कि वृक्षीय स्वभाव का जो इवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंस के आलोक में किस प्रकार हुआ है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनरली द कन्वर्जेंस इन ट्री हैबिट कैन बी सीन इन देयर हाइट। बच्चों ये बोल रहे हैं कि जो कन्वर्जेंस है ट्री हैबिट की वो पादपों में मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, हाइट में देखी जाती है। ठीक है। तो कन्वर्जेंस का जो सबसे अच्छा उदाहरण है जो पादप है उनमें हम उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है। हाइट एक ऐसा लक्षण है जिसको हम सबसे आसानी से प्रेक्षित कर सकते हैं इवोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट इन पैलियोजोइक एरा। इन दिस ग्रुप लेपिडोडेंड्रॉन इक्विसिटम एल्सोफिला एंड लेजिप्टोनोरिस ओल्ड मैया शोज शब लाइक अपीयरेंसेस।
टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की बात करें बच्चों, जो कि पैलियोजोइक एरा में उपस्थित थे, तो इस ग्रुप में जो है ये जो प्लांट्स हैं लेपिडोडेंड्रॉन, इक्विसिटम, एल्सोफिला आदि जो है वो क्या श्रब लाइक अपीयरेंसेस प्रकट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेड्यूलोसा, ए मेंबर ऑफ मेड्यूलेसी फॉसिल जिम्नोस्पर्म, वार्ज लार्ज फर्न लाइक बट स्मॉल ट्री। अब विकास क्रम में आगे बढ़े बच्चों, तो एक पादप सदस्य है मेड्यूलोसा जो कि फॉसिल जिम्नोस्पर्म समूह है, मेड्यूलोसी उससे संबंधित है। वो लार्ज फर्न लाइक लेकिन स्मॉल ट्री जो है संरचना प्रकट करता था। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ साइकेडिल्स, उदाहरण है इसके साइकस स्पीशीज, आर मीडियम साइज ट्री विथ फर्न लाइक लीव्स। बच्चे जो साइकेडेल्स गण के जो पादप थे जैसे कि साइकस स्पीशीज, वो मीडियम साइज ट्री हैबिट को प्रकट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है गिंगो वाइलोबा, ए मेंबर ऑफ गिंगो एल्स इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, दिस इज ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट एंड देयर इज ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन फॉसिल जिम्नोस्पर्म गिंगोइड्स एंड गिंगो वाइलोबा ऑफ टुडे। बच्चों आपको पता है गिंगो वाइलोबा जो है वो लिविंग फॉसिल कहलाता है, लिविंग फॉसिल क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गिंगो वाइलोबा जो कि गिंगो एल्स का एक सदस्य है, लिविंग फॉसिल है, ये बहुत सिमिलरिटी दर्शाता है एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म गिंगोइड्स के साथ में। ठीक है, तो वर्तमान का जो गिंगो वाइलोबा जो प्लांट है, ये जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म है गिंगोइड्स, इसके साथ में बहुत सिमिलरिटी दर्शाता है। ये माना जाता है कि ये सिमिलरिटी जो है इस प्रकार विकसित हुई है, ये कन्वर्जेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट जो कंसेप्ट है उसके द्वारा डेवलप हुई है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ कॉनिफ्रेल्स आर ऑफ ग्रेट हाइट्स, दैट इज सिड्रस, एबीज, पीसिया, पाइनस, टैक्सोडियम, टैक्सस, पोडोकार्पस आदि। ठीक है, जो कॉनिफ्रेल्स गण के सदस्य है बच्चों, ये उदाहरण है, ये बहुत ऊंचाई को प्रकट करते हैं। नीटेल्स इंक्लूड वेलविशिया, नीटम एंड इफिड्रा विच मेक लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो नीटेल्स गण के सदस्य हैं बच्चों, जैसे कि वेलविशिया, नीटम, इफिड्रा आदि जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंजियोस्पर्म इंक्लूड सम फैमिलीज ऑफ हार्डवुड ट्रीज, इट फर्स्ट अपीयर्ड इन क्रिटेशियस पीरियड। एंजियोस्पर्म जो समूह है पादपों का, उसको क्रिटेशियस काल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, इन्हें डाइकोट्स और एकबीजपत्री और द्विबीजपत्रियों में बांटा जा सकता है। ट्रीज आर फाउंड इन बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट्स, जो वृक्ष होते हैं बच्चों वो द्विबीजपत्रियों में भी और एकबीजपत्रियों में भी पाए जाते हैं, लेकिन डाइकोट्स में जो है वृक्षीय स्वभाव की अधिकता होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, मेन डाइकोट फैमिलीज विद ट्री हैबिट्स आर रूटेसी, यूफोरबियसी एंड मोरेसी ईटीसी। जो मुख्य द्विबीजपत्री फैमिली है जिनमें कि वृक्षीय स्वभाव पाया जाता है, जिसमें कि वृक्षीय प्रकृति पाई जाती है, उनके उदाहरण है बच्चों रूटेसी, यूफोरबियसी और मोरेसी। दिस ट्री हैबिट ऑल्सो फाउंड इन सम फैमिलीज ऑफ मोनोकोट्स, भाई मोनोकोट्स में भी कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि वृक्षीय स्वभाव को प्रकट करते हैं। उदाहरण क्या है इसका, एगेवेसी, पेंडेनेसी, लिलेसी और एरिकेसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाम्स शोज सिमिलरिटी इन अपीयरेंस विद साइकेड्स, जो पाम के जो प्लांट होते हैं बच्चों, ताड़ का जो वृक्ष होता है वो किसके साथ में सिमिलरिटी दिखाता है, साइकेड्स के साथ में। ठीक है, अब देखिए पाम अलग वंशावली क्रम का है, साइकेड्स अलग क्रम का है, लेकिन फिर भी वातावरण के कारण या उससे वातावरण की परिस्थिति का सामना करने के लिए ये समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो एक उदाहरण है इसका, पाम शोज सिमिलरिटी इन अपीयरेंस विद साइकेड्स, पाम जो है साइकेड्स के साथ में सिमिलरिटी दर्शाता है। नेक्स्ट है, सम ऑफ डाइकोट सच एज पॉलीएलिया ट्रीज शो सिमिलरिटी विद कॉनिफर्स, ये भी आपको याद रखना बच्चा, डाइकोट है एक पॉलीएरिया ट्री जो है वो कॉनिफर्स के साथ में समानता दर्शाता है ट्री हैबिट के संदर्भ में। मेंबर्स ऑफ
ऑफ ग्रेमिनी बेम्बू शोज पैरेलल ट्री हैबिट विद अनब्रांच स्टेम। बचाव उपाय ग्रेमिनी के सदस्य है बांस, जो कि बहुवर्षीय वृक्षीय स्वभाव दर्शाता है अशाखित तना के साथ में। ठीक है, बम्बू जो है उसमें अशाखित तना पाया जाता है और ये बहुवर्षीय प्रकृति का एक ट्री है। उसी प्रकार से क्या है, सिमिलरली मेंबर ऑफ म्यूजेसी, उसका उदाहरण क्या है, बनाना, शोज फॉर्मेशन ऑफ सूडो स्टेम विच शोज ट्री है। तो जिस तरह से बम्बू अपनी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, उसी प्रकार से म्यूजेसी का एक सदस्य जो है बनाना, केला, वो अपने अंदर स्यूडो स्टेम का निर्माण कर लेता है, जिससे कि वो किस प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, ट्री हैबिट दर्शाता है। तो बम्बू और जो बनाना है उनका जो इवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इन दोनों प्लांट्स में जो ट्री हैबिट है वो कन्वर्जेंस के द्वारा डेवलप हुई है। ठीक है बच्चों, आपको ये उदाहरण याद रखने हैं, पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी डाइकोट्स और मोनोकोट्स में उदाहरण लेते हुए, उदाहरण को देखते हुए आप कन्वर्जेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट्स इन जिम्नोस्पर्म, डाइकोट्स और मोनोकोट्स को समझा सकते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़रूर प्रश्न आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट जो है हमारा है छोटा सा टॉपिक है लिविंग फॉसिल्स ऑफ ट्रीज, पादप जो है, वृक्ष जो है उनके लिविंग फॉसिल, ऐसे वृक्ष जो लिविंग फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देयर आर सेवरल लिविंग एंसेंट प्लांट विद है विच हैव अंडरगोन लिटिल और नो चेंज थ्रू द एजेस। ठीक है, देयर आर सेवरल लिविंग एंसेंट प्लांट, ऐसे कई प्राचीन पादप ज्ञात हैं जिनमें कि सैकड़ों हजारों साल से लेके अब तक ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। Although they may have acquired specialized feature later, they have more or less retained their original features. Such survivors are called living fossils. ऐसे पादप जिन्होंने सदियों बीतने के बाद में भी अपने जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनके पादप की जो मुख्य संरचनाएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, उनको रिटेन किया हुआ है और उनमें इतने समय बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस प्रकार की संरचना उनकी आज से हजारों साल पहले पाई जाती थी, वही संरचना अगर किसी पादप की आज के समय में 2020 में पाई जा रही है, तो उस पादप को हम बच्चों क्या बोलेंगे, लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म। ठीक है, इनमें इनके उदाहरण देख ले, गिंगो वाइलोवा, साइकस, मेटा सिकोया, सिकोया सेमी परवेरेंस आदि। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीवित जीवाश्म की परिभाषा क्या होती है, इनके उदाहरण दीजिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, परहैप्स कंसिस्टेंसी ऑफ लिविंग हैबिटेट एंड आइसोलेशन ऑफ दीज फॉर्म्स फ्रॉम देयर कंपिटिटर्स कैन बी टू फैक्टर्स दैट मे अकाउंट फॉर देयर सर्वाइवल। अभी हमसे पूछ सकते हैं कि इतनी सदियों बाद में, इतने समय के बाद में भी ये सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज से हजारों साल पहले मान लीजिए वातावरणीय परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब कुछ और हैं, फिर भी अपने अंदर ये बिना किसी परिवर्तन करके भी आज जीवित है, तो क्यों है, उसके दो कारण है बच्चों, कंसिस्टेंसी ऑफ लिविंग हैबिटेट एंड आइसोलेशन ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम देयर कंपिटिटर्स। ठीक है, पहला है इसका कारण कि ये अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ लिविंग हैबिटेट, ये जिस स्थान पर थे बच्चों आज से हजारों साल पहले, आज भी लगभग उसी स्थान या उसी आवास में पाए जाते हैं, इन्होंने अपने आवास को परिवर्तन, आवास में परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ दीज फॉर्म्स फ्रॉम देयर कंपिटिटर्स, इनके जो प्रतियोगी पादप थे या इनके आसपास के जो प्रतिस्पर्धा करने वाले पादप थे, इनके साथ में जो है उनका संपर्क नहीं हुआ है और उनसे ये आइसोलेट रहे, इस कारण से जो है लिविंग फॉसिल आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ लिविंग हैबिटेट और सेकंड है आइसोलेशन ऑफ दीज फॉर्म्स फ्रॉम देयर कंपिटिटर्स, ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो लिविंग फॉसिल है आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, आज हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है,
कन्वर्जेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्रियोबिटिन जिम्नोस्पर्म मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक दो बार में आपको पढ़ने पर समझ में ये टॉपिक आ जाएगा। थैंक यू।